नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 10+2 यानी CHSL रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जैसा कि एसएससी के द्वारा 10+2 यानी CHSL कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पद इसके अंतर्गत 3712 हैं। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जो जारी किया गया है, हमने डाउनलोड किया हुआ है। कम्बाइंड हायर सेकेंडरी स्कूल, माफ़ कीजिए, कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम 2024 ऑनलाइन अप्लाई करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है क्रम से 7 और 8 मई 2024 रात के 11 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 10 मई से लेकर 11 मई 2024 रात के 11 बजे तक। एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है यहाँ पर, फर्स्ट टायर का एग्ज़ाम जो होगा, फर्स्ट लेवल का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कह सकते हैं, कंप्यूटर आधारित होगा और ये जून और जुलाई 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद में टायर सेकेंड का एग्ज़ाम जो कि कंप्यूटर आधारित होगा, ये भी उसकी सूचना एसएससी के माध्यम से बाद में सभी टायर वन के क्वालिफाई कैंडिडेट को दी जाएगी। 10+2 लेवल यानी CHSL के अंतर्गत जो लोअर डिवीजन क्लर्क और LDC सेक्रेटरेट असिस्टेंट JSA के जो पद हैं, उनके वेतनमान लेवल 2 में 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 19,900 से 63,200 रुपये होगा, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO का वेतनमान लेवल 4 में 25,500 से 81,100 रुपये होगा। इसके साथ ही लेवल 5 में 29,200 से 92,300, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के अंतर्गत जो वेतनमान होगा लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से 81,100 रुपये होगा। टेंटेटिव वैकेंसी हैं 3712 जो कि घट या बढ़ सकती हैं, जो पूरी तरह से संबंधित एसएससी पर डिपेंड करेगा, कमीशन पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से माइग्रेटेड हैं, वो सभी इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। आवेदन करने के लिए आयु सीमा 1 अगस्त 2024 के आधार पर यहाँ कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल यानी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। इसका मतलब है ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 2 अगस्त 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, वो सभी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य माने जाएंगे। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, SC ST PWD को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। ऐसे कैंडिडेट जो कि महिलाएं हैं, डाइवोर्सी सेपरेटेड या जुडिशली सेपरेटेड महिलाएं हैं, उनको SC ST के 40 साल, OBC को 35 साल तक की, और जनरल कैंडिडेट को आप देखेंगे यहां पर 35 साल तक की अधिकतम आयु सीमा तक वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगी। अब बात करते हैं आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स आवेदक के पास में ऑनलाइन आवेदन करने या 1 अगस्त 2024 की तिथि को क्राइटेरिया मानकर आवश्यक रूप से अवेलेबल होने चाहिए फिजिकल रूप में। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए ग्रेड ए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए आवेदक ने 12वीं पास की हो, साइंस स्ट्रीम के साथ में इसके साथ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आवश्यक रूप में 12th के स्तर पर पढ़ा होना चाहिए, जबकि LDC, JSA, DEO, ग्रेड ए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अतिरिक्त जो सभी पद हैं, इनके लिए आवेदक 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से। ऐसे कैंडिडेट जो कि 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे दिया है
और जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है वो कैंडिडेट भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे, लेकिन उन्हें 1 अगस्त 2024 तक उनके पास में 12th क्लास के सर्टिफिकेट आवश्यक रूप में उपलब्ध कराने होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करने हैं। ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से एक बार फ़ीस पेमेंट करने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य एग्जाम के लिए उसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों, PWD, एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 10 मई से लेकर 11 मई 2023 रात के 11 बजे तक 2 दिन का समय करेक्शन के लिए दिया जाएगा। करेक्शन के लिए आपको ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करनी होगी। अगर आप पहली बार करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। अगर आप दूसरी बार करेक्शन करते हैं तो 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के द्वारा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स चुनने होंगे। उनमें बाद में कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकेगा। एग्जामिनेशन सेंटर स्टेट वाइज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं Tier 1 एग्जामिनेशन से रिलेटेड एग्जामिनेशन स्कीम की, तो यहाँ Tier 1 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें 5 पार्ट होंगे, माफ़ कीजिए 4 पार्ट होंगे। पहले जो पार्ट होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज पर आधारित 25 प्रश्न होंगे। इसी तरह सेकेंड पार्ट में होंगे जनरल इंटेलिजेंस पर आधारित, और थर्ड पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक अर्थमेटिक स्किल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फोर्थ पार्ट जो होगा जनरल अवेयरनेस पर आधारित होंगे। 25-25 प्रश्न सारे सेक्शंस में आपको मिलने वाले हैं। ये सभी प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे और टोटल समय जो दिया जाएगा Tier 1 के एग्ज़ाम के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय होगा। ये क्योंकि ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर एग्ज़ाम आपको देना होगा, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। क्योंकि जैसे ही आपके इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न शुरू ख़त्म होंगे तो इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस पर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेंगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना होगा। सभी प्रश्न जो होंगे Tier 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस होंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी आपको झेलनी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 0.5 मार्क्स यानी आधा अंक आपका काट लिया जाएगा। एग्ज़ाम सेकेंड शेड्यूल का, टायर सेकेंड का जो एग्ज़ाम होगा इसमें आप देखेंगे Section 1 में मॉड्यूल दिए गए हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में मैथमेटिकल एबिलिटी पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ एक प्रश्न का जो निर्धारित अंक होंगे 3 होंगे, यानी अगर एक प्रश्न आप सही जवाब देते हैं तो 3 अंक उसके आपको मिलेंगे। मॉड्यूल सेकेंड में रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे Section 1 में कुल 60 प्रश्न होंगे 180 मार्क्स के। यहाँ 1 घंटे का समय दिया जाएगा हर सेक्शन के लिए, यानी Section 1 के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद Section 2 जो होगा इसमें भी मॉड्यूल में बटा होगा। Section 2 में Module 1 में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित प्रश्न होंगे, यहाँ 40 प्रश्न होंगे। Module 2 में जनरल अवेयरनेस पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से Section 1 में प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 60। तो Section 2 में भी टोटल प्रश्न होंगे 60। यहाँ आप देखेंगे 1 घंटे का यहाँ पर समय मिलेगा। Section 3 जो होगा इसमें Module 1 में कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 15-45 अंकों के, और इसके साथ ही इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में स्किल टेस्ट होगा। DOs इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, जैसा कि पैरा 8.1 में दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं 15 मिनट का होगा ये एग्ज़ाम। Section 2 जो होगा एग्जामिनेशन का, Section 3 में Module 2 स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल पर आधारित पार्ट बी जो होगा ये DEOs के अंतर्गत डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, जैसा कि 8.1 में मेंशन है, उसके अतिरिक्त डिपार्टमेंटों के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। 15 मिनट का समय इसके लिए दिया जाएगा। पार्ट सी जो होगा उसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा LDC और JSA के पदों के लिए। 10 मिनट का इसमें समय मिलेगा। तो इस तरह से ये एग्जामिनेशन स्कीम है।
पार्ट वन और पार्टी यानी टायर वन और टायर टू के एग्जाम से रिलेटेड डिटेल में आप इसकी जानकारी एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। पार्ट सी जो होगा टाइपिंग से रिलेटेड एलडीसी और जेएसए के लिए, यहाँ आपने जिस मीडियम को सेलेक्ट किया होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय हिंदी या इंग्लिश में से, उस पर आपको टाइपिंग देनी होगी। इंग्लिश मीडियम के लिए टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की रखी गई है। आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर पर यह टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और आपको अपनी प्रैक्टिस कंप्यूटर पर ही करनी चाहिए, जिससे आप इजीली कंप्यूटर पर अपनी स्पीड को इजीली निकाल सकें। रिटन एग्जामिनेशन टायर वन और टायर टू से संबंधित यहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फंडामेंटल सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल, चार्ट्स, इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह इंडिकेटिव सिलेबस आपको मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट में टायर टू के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आप डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो कोई एक अपना पहचान पत्र लेके जाएंगे, जैसे वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग, पैन, पासपोर्ट या आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर एम्प्लॉय आईडी कार्ड अगर आप कहीं पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाना होगा एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले डिटेल में विज्ञापन को जरूर पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना होगा। एसएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन के सामने अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ आप देखेंगे पर्सनल डिटेल आपको देनी है, जैसे कैंडिडेट्स का नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड अपना बना लेना है। तीसरे स्टेप में एडिशनल डिटेल, कैंडिडेट की नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन की डिटेल देनी है और डिक्लेरेशन को साइन कर देना है। तो ये चार स्टेप में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर लेना है एसएससी की वेबसाइट पर जाकर। अब यहाँ देखेंगे कंटिन्यू का बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ आपको पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन हो चुका है। जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको सही सही प्रोवाइड करा देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको सेव नेक्स्ट क्लिक करते चले जाना है। एसएससी 10+2 सीएचएसएल 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और उससे पहले पहले ही, अंतिम तिथि से पहले पहले आपको अपने एप्लीकेशन फीस और फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपकी काम की भी साबित होगी। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।